फ्रेंड दिस इज निखिल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथन साइंस सॉल्यूशन। आज हम लोग प्रूव करेंगे कि एक पॉइंट के चारों तरफ का सम एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एफ है जो लाइने और ओ बी ओ सी ओ डी और ओ ई रे है जो इस पर स्टैंड है। तो सबसे पहले लेते हैं अरे ओ बी एंड ओ सी स्टैंड ऑन लाइन एफ है। तो एंगल ए ओ बी क्या ओ बी ले है जो कौन सा एंगल बना रहा है। एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ सी ओ एफ इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एग्जाम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अभी इस तरफ देखना है, इस पर एफ ए लाइन है जिस पर ओ डी और ओ ई स्टैंड है रे रे अरे ओ डी एंड ओ ई एस टी स्टैंड ऑन लाइन एफ है। तो ओ डी लाइन स्टैंड है तो एंगल ओ एफ डी एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ए ओ ई बराबर 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ये भी लीनियर पेयर रख दें बाई एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम एडिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड के जोड़ेंगे राइट हैंड साइड के जोड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सेकेंड इक्वेशन में एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ए ओ बी इजकल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो एंगल एंगल सी ओ डी एंगल सी ओ एफ और एंगल एफ ओ डी को एक एंगल बना लेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ और एफ ओ डी जुट जाएगा तो क्या एंगल बनेगा एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ए ओ बी इजकल टू 180 और 180 307 डिग्री। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।